बादल राग शीर्षक से निराला की 6 कविताएं हैं। उनमें से बादल राग प्रथम आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। महाप्राण निराला द्वारा विरचित बादल राग में विबादलों के उमड़ने घुमड़ने बरस पड़ने, उनकी उत्पत्ति, उनके लोक कल्याणकारी स्वभाव आदि का मनोरंजक शब्द चित्र अंकित करते हैं। बादल राग प्रथम में कवि ने परोपकार हेतु आकार धारण करके अपने को मिटा देने वाले क्रांतिकारी बादलों से झूम झूम कर अपने अमर रागालाप से पूरे आकाश को गुंजायमान कर देने का आह्वान किया है। बादल स्वभाव से ही सृजन करता प्राकृतिक तत्व हैं। इनके बिना प्राकृतिक जीवन के साथ साथ समस्त जीव चराचर मानव जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। कवि ने वर्षा को हर्ष या खुशहाली का प्रतीक बताया है। वहीं बादल की भयंकरता भी प्राकृतिक जगत के मंगल विधान का प्रतीक है जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। ये एक प्रकार से भव्यता का संसाधन है। बादलों की भयंकरता क्रांति का स्वरूप है। उसमें जीवन की शोषण से मुक्ति और समरसता व्याप्त है। कवि बादलों के गर्जन को जीवन की आस्था एवं आवश्यक व्यवस्था मानता है जिसमें जीवन संचालित होता है। बादलों द्वारा प्रदत्त अमृत रस प्राकृतिक उपादानों का द्योतक है। पृथ्वी के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का बरसना निष्पक्ष एवं प्रकृति प्रेम का प्रतीक है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। कवि इस वितरण व्यवस्था में एक रूपता देखता है और जनमानस को इससे परिचित कराना चाहता है। निराला जी के व्यक्तित्व की यही विशेषता है। इनमें क्रांति के भाव सर्वत्र एक से दृष्टिगत होते हैं। भूमि प्लावन की प्रक्रिया में वर्षा का जल सुधारस के समान अद्वितीय है। जमीन के धसने के जलस्राव की मात्रा बढ़ने लगी है। चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण विद्यमान है। सभी के सभी प्रसन्नता से बेचैन से हैं कि वे खुशियां मनाएं। इस प्रकार प्रकृति प्रदत्त जीवन की समरसता समस्त समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कवि निराला ने वर्षा ऋतु के बादलों से कहां कहां बरसकर रस से सराबोर कर देने की बात कही है। निराला जी ने वर्षा ऋतु के बादलों का आह्वान करते हुए कहा है, हे बादल, झूम झूम कर और घन घोर गर्जन तर्जन करके समस्त आकाश में अपनी गर्जना को भर दो। हे बादल, तू इतना बरस कि झरझर करते हुए झरनों पहाड़ों तालाबों घरों मकानों मरुस्थलों हिलते डुलते पेड़ पौधों और यहाँ तक कि सागर में भी तुम्हारा जल फैल जाए। चारों तरफ जल ही जल दिखे। सारांश यह है कि यहाँ तुम्हें रस से सराबोर होकर राहत की सांस ले। कवि निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहते हैं कि हे बादल, तू अपने साथ मुझे भी खुले आकाश की अंतिम ऊंचाई तक ले चल और तू अपनी गर्जन का भयानक स्थान का दर्शन करा दे। मैं इस स्थान को देखना चाहता हूँ। यहाँ पर तेरे द्वारा भयानक गर्जन करने से वर्षा होती है और गर्जन तर्जन से क्रांति और सर्जन दोनों साकार होते हैं। निराला इस तरह से बादल की क्रांतिकारी भूमिका के साझीदार बनना चाहते हैं, साथ ही उसकी सृजनात्मक शक्ति के सहयोगी भी। निराला बादल के रूप में स्वयं निराला का व्यक्तित्व प्रक्षेपित है। स्वयं भी उतना ही बादल की तरह ओजस्वी गर्वीले और विद्रोही व्यक्तित्व बनने की ओर प्रेरित करते हैं। साथ ही उसकी सरसता उसकी नवजीवनदायी भूमिका में भी उतने ही भागीदार होना चाहते हैं। निराला का व्यक्तित्व एक तरफ वज्र की तरह अटल एवं शान और शौहरत से भरपूर एवं आकर्षक है, दूसरी ओर वो इतना ही द्रवित हो जाने वाला है। उनका शानदार व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणा है। बाल्यकाल की आर्थिक विपन्नता, युवा काल में अप्रत्याशित रूप से भी मिली स्वजनों की वियोगावस्था के साथ जब कविवर निराला जी ने समाज में व्याप्त शोषण के भयंकर स्वरूप को अनावृत किया तो उनका व्यक्तित्व विद्रोह करने के उद्देश्य से मचल उठा। उनकी जीवन दृष्टि को बंगाल की संस्कृति और
पारंपरिक व्यवस्था ने संपन्न बनाया। निराला जी स्वयं बंगाल के महापुरुषों विद्वानों के सानिध्य में दर्शन शास्त्र को आत्मसात किया। इनका बहुमुखी व्यक्तित्व बहुत ही प्रतिभाशाली एवं यथार्थपूर्ण था। सामाजिक दृष्टिकोण से इनका व्यक्तित्व मिलनसार और अंदर किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद नहीं था। इस प्रकार वहाँ बादल निराला के व्यक्तित्व का प्रतीक भी हैं। बादल राग में निराला ने प्रत्यक्ष रूप से बादलों से वर्षा करने की बात कही है। वर्षा काल में बादल की ही प्रमुख भूमिका होती है। बादल की प्रभुता इस धरातल की पृष्ठभूमि पर विद्यमान रहती है। बादल इतना बरसे कि ये पृथ्वी सराबोर हो उठे। ये प्रक्रिया इस प्रकार से पृथ्वी के निखार होने की सूचना है। सौंदर्य की दृष्टि से उमड़ घुमड़ कर गरज करते हुए बादलों का बरसना एक प्रकार से अद्वितीय है तथा भव्यता में भयंकरता भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। यहाँ कवि भयंकरता को भव्यता का आवश्यक रूप मानता है और उसी की व्याप्ति सर्वत्र देखना चाहता है। वर्षा के जल से पृथ्वी, पहाड़, चट्टान, सर, नदी, नाले, विजन, बरसना, उपवन, बाग, बगीचा सभी के सभी एक रूप में प्रत्यक्ष रूप से रसिक्त हो उठते हैं, अर्थात उनकी प्यास बुझी रही एवं तृप्त हो रहे हैं। कभी भी ऐसी धारणा है कि बादल की इस प्रक्रिया से भी मानव जाति की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। मानव जाति के लिए प्रेरणादायक एवं आदर्श का सूचक एवं प्रतीक है। जैसा कि निराला छायावाद के नायक एवं अग्रगण्य कवि रहे हैं, उनका प्राकृतिक सौंदर्य बोध मानव जाति के लिए उदाहरण स्वरूप आत्मसात करने की सफल प्रक्रिया है। कवि ने बादलों को वर्ष का हर्ष कहा है। विज्ञान के आधार पर स्थापित हो चुका है कि वर्षा ऋतु ही प्रकृति में जीवन का संचार करती है, या वह उसका आधार स्तंभ है। पूरे वर्ष गर्मी सर्दी को सहन कर प्रकृति इसी वर्षा ऋतु में फुल्लता महसूस करती है। वर्षा के रस में जल प्रकृति हरी भरी एवं भव्य हो जाती है। वर्षा के आगमन से सभी जीव जंतु एवं मानव समाज उल्लसित होकर सक्रिय हो जाते हैं। वर्षा काल के दौरान हमारे कृषि कार्य उन्नत हो जाते हैं। इन्हीं सभी कारणों से कवि ने बादलों को वर्ष का हर्ष या खुशी का खजाना कहा है। कविवर निराला ने वर्षा ऋतु के बादल से सर्वत्र बरस कर रस सराबोर करने की बात कही है। कवि निराला जी ने विप्लवी बादलों का आह्वान करना चाहते हैं कि वे उमड़ घुमड़ कर तथा झूम झूम कर बरसें, पृथ्वी पर बरसे, सारा आकाश इनकी गर्जन से गुंजायमान एवं भयंकर भयानक हो जाए। ये सारे बादल पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में, जैसे नदी, पर्वत, आह्वान, तालाब, सभी जगह पर घर द्वार, खेल खलियान इतना बरसें कि पूर्णतः प्लावित हो जाएं, इनसे नवजीवन छा जाए, सभी प्रकार के लोगों के मन में खुशी हो। कवि ने बादलों को वर्ष के हर्ष के रूप में आह्वान करते हुए पूरे साल बरसने, गर्मी के प्रभाव से पृथ्वी को के समतल तापमान में व्यापक फेरबदल करने और समरसता लाने की बात कही है। अतः तापमान की स्थिति को सामान्य बनाने के क्रम में प्रकृति को हरा भरा करने के उद्देश्य से कवि ने बादलों को संबोधित करते हुए आवाज़ दी है। हे बादल, इस धरातल पर इतना बरसों के चारों तरफ शीतलता छा जाए, सारी गंदगी, सारी दुख, पीड़ाएं, वेदनाएं समाप्त हो जाएं। बादल कवि के लिए प्रेरणा एवं प्रकृति के उपादेय हैं, आवश्यक तत्व हैं। उनके बरसने से समृद्धि आती है, चारों ओर हर्षोल्लास का वातावरण रहता है। निराला ने बादलों से आह्वान किया है कि उनकी गर्जना भरे संसार में ले चले, जहाँ बादलों के गर्जन तर्जन से वर्षा हो और हृदय में एक प्रकार के हलचल उत्पन्न हो जाए। कवि उस जगह चलने की कामना करता है जहाँ वर्षा जल से प्रवाहित सारी सृष्टि सुखनुमा हो खुशनुमा हो जाती है। कवि इस भौतिक जगत की आडंबर भरे शोर शराबे से तंग आ चुका है, इसलिए मन की शांति और आत्मतुष्टि पाने के उद्देश्य से बादलों के साथ गगन को देखना चाहता है। बादल राग में वस्तुतः भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी धारा की अनुगूंज भी सुनाई पड़ती है। मूल रूप से बादल राग तीन अर्थ छायाएं लेकर उपस्थित होता है। एक प्राकृतिक, जिसमें बादल और वर्षा ऋतु का प्राकृतिक चित्रण है अपने संपूर्णता में, पहले की तपिश, धरती की प्यास, पानी की कमी, उसमें सरसता उड़ेलते हुए बादल, जीवनदायी बादल, नए जीवन का संचार करते हुए बादल। दूसरी ओर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों की भूमिका को इंगित करते हैं निराला, कि वे भी इतने दुर्धर्ष और भयंकर स्वरूप धारण रखते हैं, देश और की आत्मा
दुखी पीड़ित व्यक्तियों की आत्मा को तुष्टि मिलती है और शोषणकर्ताओं का संहार होता है, जो पराय विदेशी सत्ता स्थापित है उसको उस पर प्रहार होता है। तीसरे स्तर पर निराला अपने व्यक्तिगत जीवन में मिलने वाली दुख और पीड़ाओं पर बादल की तरह आघात भी करना चाहते हैं और नए सृजन का आह्वान भी करना चाहते हैं।